अभी अभी क्या समस्या से जूझ रहे हो? समस्या मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब इतने दुख वगैरह है, कष्ट है, तो मतलब जीवन किस लिए है, फिर कैसे खुश कैसे रह जाए, कुल मिला के क्या समाधान, उसमें खुशी कैसे मिले कुल मिला के। यही सबसे बड़ी गुत्थी है, खुश कैसे रहें। खुश ऐसे रहें कि खुश होने की सारी कोशिशें छोड़ दें। कोशिशें जो हैं उसमें बाधा है, ऑब्स्टिकल। पहले तो हमको यही ढूंढना होगा कि जिसको हम खुशी कह रहे हैं वो सचमुच में क्या है ना। मनोविज्ञान पढ़ाई है तो सिस्टमेटिक वैसे ही चलना जरूरी होता है। तो इंसान क्या है, खुशी को लेकर उसके अपने अपने कॉन्सेप्ट विकसित हो गए हैं, इसलिए उसको अड़चन ज़्यादा है। जैसे खुश होने को कोई समझता है कि इंसान बहुत हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है तो खुश है। जिस तरह से सेलिब्रेट करने के कॉन्सेप्ट में लोग उलझ गए कि सेलिब्रेटिव रहो, लाइफ को सेलिब्रेशन की तरह लो, तो लोग क्या आप नाचते रहेंगे? सेलिब्रेशन वाले लोग नाचते ही थोड़े रहते हैं, वो तो हमारी बीइंग में होता है, हमारी समझ में होता है। और वो देखिए हमारी प्रेजेंस, हमारा, फिर नाचना गाना भी बुरा नहीं है, वो भी आता है सेलिब्रेशन में। इसी तरह से खुश होने की जो तलाश है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। पहले तो ये ढूंढेंगे पीस ऑफ माइंड कैसे आए। खुशी तो उसको फॉलो करेगी, खुशी उसका बाई प्रोडक्ट है, एंड रिजल्ट है। मन अगर शांत हो तो, जैसे कहते नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि अगर मन चंगा है, अच्छा है, बढ़िया है, तो गंगा जाने की भी ज़रूरत नहीं। वो हमारे कटोरा कठौती, उसको कहते थे, काठ का बर्तन होता था, यानी कि वही गंगा बन जाता है, उसी में गंगा नजर आ जाती है। तो मन की शांति लाने के लिए क्या करेंगे? मन पर कोई काम करेंगे। मनोविज्ञान पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, मेरा भी सब्जेक्ट रहा है मनोविज्ञान। मन पर काम करके तो शांति नहीं आती ऐसे। मेरे भी जो प्रोफेसर थे, मुझे पढ़ाते, लेडी थी पढ़ाती थी, वो तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि थोड़ी थोड़ी सिनिकल तो यही हो चुकी है। मई जून की तपती गर्मी में वो वूलन सॉक्स पहन के आती थी, तब मेरा माथा ठनका। मैंने पूछा, और जो टीचर्स वगैरह थोड़े जिनसे हमारा परिचय था, हमने कहा ये समझ में नहीं आया कि मैडम मई जून में वूलन सॉक्स। कह रहे हैं भाई साइकोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते इनका यही हाल हो गया है। काफी विद्वान थे। तो मेरा यकीन इस बात से हट गया उस दिन से कि ये मनोविज्ञान का बड़ा ज्ञान रखने वाला भी अपने मन को हैंडल कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। मन को हैंडल करने का तरीका ही दूसरा होगा। अब मनोविज्ञान में हम कॉपी बुक स्टाइल से हैंडल करते हैं, और हम हर चीज़ को यही मान लेंगे कि भाई ये मन का एबनॉर्मल स्टेज है, ये नॉर्मल स्टेज है, ये इधर से आता है, उधर से आता है, तमाम चीज़ें। लेकिन सारी की सारी चीज़ें हम ही कर रहे हैं, अपने मन में हम ही कर रहे हैं। तो उसका एंड रिजल्ट आता है कि फिर अगर खुशी लानी है तो वो भी हम ही लाएंगे, दुख लाना है तो वो भी हम ही लाएंगे। और कैसे लाएंगे? अगर आप नॉर्मल होंगे। अब नॉर्मल का कोई क्राइटेरिया तो डिफाइंड नहीं है, एबनॉर्मल का तो पूरा किताब है, पूरा चैप्टर है। एबनॉर्मल नहीं होंगे तो नॉर्मल होंगे। अब नॉर्मल कैसे होंगे? साइकोलॉजिकली डिफाइन वो करते हैं कि जब आप एबनॉर्मल नहीं होंगे तो नॉर्मल होंगे। और ये पढ़ते पढ़ते मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि
लोग नॉर्मली एबनॉर्मल हैं, नॉर्मल ढंग से एबनॉर्मल हैं ज़्यादातर लोग। अब ये एक बड़ी चुनौती भी रही मेरे लिए भी कि ये हैप्पीनेस यानी कि पीस ऑफ माइंड कैसे आ सकती है। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दी कि उसी रास्ते पर चलोगे वही, और वो उसी रास्ते पे है वही रास्ता ही जब भी कोई खोजेगा। जीवन में कुछ कर नहीं सकते, परिस्थितियाँ बनी बनाई मिलती हैं। भाई तुम्हें घर परिवार में पैदा हुए, उसमें तुमने कुछ नहीं किया। हम एक समाज में पैदा हुए, उस समाज में हमने कुछ नहीं किया। अभी हम उसमें कुछ करके बदलाव करेंगे, रद्दोबदल तमाम आएंगे लोगों के तमाम प्रयासों से, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो हमको रेडीमेड ही मिल गया हुआ है। शरीर का ढांचा हमको रेडीमेड मिल गया है, भाई पेरेंट्स ने हमको जो जीन जो बॉडी दे दी वो दे दी, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर और आगे जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हमको रेडीमेड मिली हुई हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमको जेनेटिक कंडीशनिंग मिली हुई है, जीन के थ्रू मिली है। हमको समाज के तौर से तमाम सोशल कंडीशनिंग्स मिली हुई हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपना भारत है ऐसा ही है, यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तुम्हारा राजस्थान है वैसा ही है, मतलब हर जगह की अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं। अब तुम सोचो कि पहले हम इसको ठीक करें तो फिर ठीक होगा, जो कि लोगों को लगता है कि कई बार लोग अगर परेशान होते हैं तो दूसरों को ठीक करने निकल लेते हैं। इन सबसे नहीं होता, ना अपने फंडामेंटल ढांचे को यानी जो मिला है उसको बदलने का कोई उपाय हमारे पास है। लेकिन एक चीज़ जो है जो मुझे दिखाई दी कि हम अपना रिस्पांस बदल सकते हैं। जो भी परिस्थिति है उससे हमारा रिस्पांस क्या होगा वो बदला जा सकता है, और वही की है कि उस रिस्पांस को बदलने से हम उस पीस ऑफ माइंड की तरफ बढ़ेंगे। अब रिस्पांस बदलने के कई रास्ते हैं। कुछ लोग कहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव रहो हर चीज़ में। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक ऐसा शीशा का गेम है कि वो इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव चलता रहता है, यानी कि पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, कोई 100% ना पॉजिटिव हो पाता है ना 100% नेगेटिव, बदलती रहती हैं। पॉजिटिव होते होते लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बड़े बड़े पॉजिटिव थिंकर पॉजिटिव थिंकिंग में थे और अचानक एक धक्का लगा, सारी चीज़ें बिखर गईं। अब यहाँ पर जब ये चीज़ देखोगे तुम कि सिचुएशन जो है उनमें घटनाएं अपने ढंग से घट रही हैं, जिसको मैं कोर फिलॉसफी कहता हूँ, और मेरी टीचिंग का भी जो फंडामेंटल सार है यानी कि मौलिक सार है, और अद्वैत दर्शन का भी ये मौलिक सार है कि हम कर्ता नहीं हैं, हम कर नहीं रहे, चीज़ें घटती हैं हमारे माध्यम से, तो दूसरे के माध्यम से भी घटती हैं। घटाने वाला एक तो फैक्टर हो गया जीन, हमारी कंडीशनिंग हो गई जेनेटिक कंडीशनिंग, और हमारी अभी तक के ज्ञान से निकली हुई जो कंडीशनिंग है वो सारी चीज़। तो अब वो सब मिला के कोई परिस्थिति को घटाएंगे, जब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस एक्सेप्टेंस के साथ क्या होता है कि हम स्ट्रगल ड्रॉप कर लेते हैं, हमारा स्ट्रगल जाता रहता है। दूसरे को लेके भी जो हमारे मन में द्वंद्व होता है वो जाता रहता है, अपने को लेके जो द्वंद्व होता है मन में वो जाता रहता है। तो हमारी बहुत सारी जो ऊर्जा है वो मुक्त हो जाती है इससे, और हम उसको जीवन में अगर सार्थक कुछ करने के लिए तो सार्थक में उपयोग कर पाएंगे, नहीं हमारे सामने कुछ इस समय करने के लिए तो हम अपने अंदर ही उसको एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा जॉयफुल रहेंगे। ज़िंदगी में सारा जो खुश न रहने के यानी दुखी होने का कारण है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा करता तो ऐसा होता, और मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, मैं ऐसा करता तो क्या होता, मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता, बस इन्हीं में सब घूमता रहता है। एनालाइज करके देख लो, घर परिवार में भी यही एनालिसिस चलेगी, मेरे माँ बाप ने ऐसा क्यों किया, मुझको इस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया, मुझको वहाँ पढ़ाया होता, मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मतलब सब यही। और फिर अपने को भी आप ब्लेम करेंगे कि मैंने उस परिस्थिति में ये निर्णय क्यों नहीं लिया, अगर मैंने उस परिस्थिति में ये निर्णय लिया होता तो आज ये चीज़ होती, और मैंने वो किया होता तो वो होता। इस पे मेरा ये कहना है
उस समय तो तुम वही कर सकते थे, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उस समय का ज्ञान, उस समय की कंडीशनिंग, उससे और कुछ निकलने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। वो तो आज के इस पॉइंट पर खड़े होकर सोचा जा रहा है, लेकिन अभी जो हमारे अंदर जितना इन्फॉर्मेशन और ज्ञान जाएगा वो आगे के निर्णय को प्रभावित करेगा, हमारी डेस्टिनी बदलेगी उससे, वो डेस्टिनी बदलेगी तो ज़िंदगी में बदलाव आएगा। तो इसके सारे समझ से निकलेगा निष्कर्ष कि हम जीवन को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, अपने को भी दूसरे को भी, अपने को भी ब्लेम नहीं करते, दूसरे को भी ब्लेम नहीं करते। और जिस दिन हम ये बंद कर देते हैं, अपने को ब्लेम करना, दूसरे को ब्लेम करना, बड़ी शांति होती है मन में और उसका बड़ा आनंद होता है। यहाँ तक कि ये विचार भी, अभी ये समझ ना भी आई हो किसी को पूरी, ये विचार करके भी मन में बड़ी शांति मिलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया होगा किसी से, इसमें क्या परेशानी है। अब जैसे मान लो रास्ते पर जा रहे हैं, कोई गाड़ी ही टकरा जाए, कई इलाकों में बड़ा झगड़ा झंझट है, हरियाणा दिल्ली की तरफ अभी तो मारपीट ही हो जाती है जरा सी बात पे, लखनऊ में उतना नहीं होता फिर भी यहाँ हो जाता है, अलग अलग इलाकों में है, मुंबई में सुनते हैं थोड़ा काफ़ी कम होता है, लोग थोड़ा बहुत निकल जाते हैं इधर उधर करके, अलग अलग इलाकों की कंडीशनिंग है लोगों की। लेकिन जहाँ लोग इसमें उलझे हुए हैं तो, और जहाँ नहीं उलझे हुए उन सबकी मानसिकताएँ देखेंगे, एक है कि इसने जानबूझ के किया ऐसा तो झगड़ा होगा, फिर एक ने माना कि हो सकता है अभी वो जानबूझ के उसका लड़ाने का उद्देश्य थोड़ा ही था, लड़ गई तो हम भी उतरे, वो भी उतरा, हमने एक दूसरे को भाई हालचाल पूछा कि आपको तो चोट नहीं लगी, उसने कहा आपको तो नहीं लगी, ठीक है भाई साहब आप जाइए, ऐसा कहाँ होता है, ये कोई नहीं पूछता कि बच गए आपने, तुमने क्यों लड़ाई, तुमने इधर से, अरे मोड़ी शौक थोड़ा ही था उसको लड़ाने का, वो तो लड़ गई, इंसान है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब वही सोचो कोई जानवर आके लड़ जाए तब क्या करेंगे, कोई जानवर आके लड़े, आपकी कार पलट जाए, बाइक पलट जाए, यहाँ तक कि आपके हाथ पैर भी टूट जाएं, लेकिन उसके बाद आप जानवर को देख के कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे लड़ गया था, कोई विकल्प नहीं आपके पास, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो तो घटा था, वो जानबूझ के थोड़े आया था, क्योंकि उसको कोई शौक नहीं था। तो जीवन में ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं जिसमें जानबूझकर कोई नहीं करता, वो हो रही होती हैं, इस एक्सेप्टेंस के ना होने से इंसान बहुत उलझता चला जाता है, ये तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, लेकिन डीप डाउन सचमुच में कोई कुछ नहीं करता है, घटनाएं बस घटती रहती हैं। इस एक्सेप्टेंस के बिना कोई मानसिक शांति नहीं और उसके बिना कोई खुशी नहीं जीवन में।